हेलो दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा आपका अपने चैनल स्टडी विथ अवनीश मिश्रा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने डिजिटल सम का जो पहला क्लास था वो अपलोड करा दिया था और दूसरे क्लास में हमने बोला था कि हम इस पे बेस्ट जितने क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे। दोस्तों, इसी कड़ी में हम आज क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम रूल को जितना बताया था उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहला कांसेप्ट बताया था हमने वो था डिजिटल सम का। डिजिटल सम में क्या था, जो डिजिट दिया रहता है उसका हम डिजिट का पूरा सम करके एक ऐसी वैल्यू लाते हैं सिंगल डिजिट तक, जो कि सिंगल डिजिट में होता है दोस्तों, वही हमारा डिजिटल सम होता है। ये आपको अभी काम करेगा जब हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, जब डिजिटल सम लगाते हैं तो हमको परसेंटेज और जो होता है दशमलव वाली वैल्यू पे ध्यान नहीं देना होता है और इसको हमको इग्नोर करना होता है। तीसरा आता है कॉन्सेप्ट नाइन, इसमें भूल गया था लिखना। जो नंबर नाइन होता है उसको क्या करना होता है, हमको इग्नोर करना होता है। इग्नोर क्यों करना होता है, अगर ये आपको देखना है तो आप फर्स्ट पार्ट में जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। आगे देखिए, तीसरा जो होता है, अगर कभी हमको डिजिटल सम निकालते वक्त अगर हमारी वैल्यू माइनस में आ गई तो उस माइनस वाली वैल्यू को हमको नाइन से माइनस करके फाइनल डिजिटल सम लाना होता है। देखिए फोर, जैसे यहाँ पे टू था, माइनस सेवन किए तो वैल्यू माइनस फाइव आई, और माइनस फाइव आई तो जब हम जानते हैं कि डिजिटल सम माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम क्या किए हैं, फाइनल डिजिटल सम लाने के लिए नाइन से हमको फाइव को माइनस करना पड़ा है, तो फाइनल डिजिटल सम फोर आ गया है। अब आगे आते हैं, जो होता है हमारा भाग। भाग में क्या होता है, जब ऊपर कोई नेचुरल नंबर होता है और नीचे दो होता है तो पाँच से ऊपर और नीचे गुणा करके हमको क्या करना होता है, नीचे वाली वैल्यू को दस बना लेना होता है, और दस का डिजिटल सम दोस्तों एक होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, हमेशा वैल्यू को वन बनाना। देखिए, जिस जिस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ होगा उससे क्या हो गया, और नीचे वैल्यू वन हो गई होगी। दोस्तों, सभी हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अब वन मिनट के लिए ब्रेक लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो कि है हमारा सिंप्लीफिकेशन का। दोस्तों, आपको हर एक टॉपिक में लगभग बताने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि हम लोग एल्जेब्रा के क्वेश्चन में भी डिजिटल सम का प्रयोग करके देखेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले बताने से पहले आपको बताते हैं डिजिटल सम में क्या करना होता है। दोस्तों, अगर जैसे देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 46 और 4 ऐड करने पे 50 आता है। आइए देखते हैं डिजिटल सम से इसको हम कैसे लगाएंगे। देखिए दोस्तों, 6 और 4 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 1, और 4 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 4, इनको जोड़ने पे 5, 50 का भी डिजिटल सम कितना आएगा, 5। तो इन दोनों साइड को जोड़ने पे जो डिजिटल सम आएगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर का भी डिजिटल सम आएगा। ये हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था अच्छे तरीके से। आइए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। देखिए, यहाँ से डिजिटल सम निकालेंगे हम दोस्तों, यहाँ से आएगा 5, 5 और 1 6, 6 7 13, 13 3 होता है 16, 16 का कितना हो जाएगा, 7। फिर से देखिए, 5 और 1 6, 6 और 3 9, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, इन तीनों डिजिट को मिला के सम 9 हो रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से फाइनल डिजिटल सम कितना हमारा आ गया, 7। आगे आइए देखिए, यहाँ से है 5, 5 2 7 और 7 3 10, 10 और 1 11, 11 आ गया दोस्तों। 11 का डिजिटल सम कितना होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। आगे आइए, यहाँ लिखा है 6, 3, 7 और 3 मिलके होगा 10, 10 6 कितना हो जाएगा, 16, 16 और 1 17, 17 का कितना हो जाएगा, 17 मतलब 17, 17 का हो जाएगा डिजिटल सम 8, यहाँ पे हम लिख लेंगे दोस्तों 8। यहाँ देखिए, 6 और 4 10 होता है, 8 और 8 10 होता है, यानी कि 10 और 10 20 हो जाएगा, और 20 का डिजिटल सम कितना हो जाता है दोस्तों, 2 हो जाता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 2 लिख देंगे। यहाँ पे 3 है ही, और यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं, ये क्वेश्चन सिर्फ इतना छोटा बन गया। अब इस पर हम क्या करेंगे, इसको हम एड कर देंगे, जहाँ जो साइन है वो साइन को लगा देंगे, हो गया। अब यहाँ से डिजिटल सम निकाले, देखिए 7 और 2 9 हो गया, और 9 को हमको इग्नोर करना होता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ से क्या हुआ, 8 और 8 में जब हम माइनस करेंगे 2 को, तो कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ से आ गया 6, यहाँ से आ गया 3, और यहाँ से आ गया x। अब देखिए, यहाँ पे क्या करना होता है, हमको पक्षांतर नहीं करना होता है, नहीं करेंगे पक्षांतर यहाँ से हम, तो आ जाएगा 2। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पे है डिजिटल सम 6, अब x यानी कि ऑप्शन का डिजिटल सम जो आएगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे और फिर दोनों का डिजिटल सम मैच कर देंगे। देखिए कैसे होता है, 9 को इग्नोर करेंगे, 6 और 5 कितना होता है, 11, 11 का डिजिटल सम आता है 2,
यहाँ 5 और 5 कितना होता है, 5 और 5 होता है 10, और 10 का डिजिटल सम कितना होता है 1। यहाँ 9 को इग्नोर करेंगे 459, यहाँ पे आ जाएगा 0। 9 को इग्नोर करेंगे 7 और 5 12, और 12 का डिजिटल सम होता है 3। अब ऑप्शन को रख के देखिए कि क्या यहाँ पे वैल्यू रख दें x की, कि हमारा जो वैल्यू आ जाए 3 से मल्टीप्लाई होने पे 6 आ जाए। दोस्तों अगर हम 2 को रखते हैं तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 1 रखेंगे तो 3 1 3 होगा, नहीं होगा, 3 9 हो जाएगा। दोस्तों यही वैल्यू हमारा क्या होगा, सही। आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, आंसर बिल्कुल यही आएगा। आइए दोस्तों दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको भी डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है 2 4 4, इसको हम डिवाइड में ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। अब ध्यान से आ जाइए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जब यन के नीचे क्या है 2, यन क्या है हमारा एक नेचुरल नंबर जो कि है 244। अब देखिए 2 नीचे है, यहाँ पे क्या है 5 से मल्टीप्लाई करना है। आइए दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, फाइव से मल्टीप्लाई करना नहीं है यहाँ पे। देखिए यहाँ का डिजिटल सम कितना आ रहा है, देखिए 4 और 4 8, 8 और 2 10 आ रहा है। 10 का डिजिटल सम 1 होता है, तो 1 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ, ना कि इस पूरे नंबर से। अब अप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल आंसर वही आएगा। देखिए 4 4 8 8 2 10 1 आ जाएगा, 1 से 5 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 5। अब 2 और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आप लोग जानते हैं डिजिटल सम हमेशा कितना आएगा 1। अब इसका डिजिटल सम कितना आया 5। अब आंसर वही सही होगा, जिसका डिजिटल सम क्या होगा 5 होगा। आइए देखते हैं 3 2 6 6 1 7, नहीं होगा। 2 2 4 4 और 1 5, ये हो सकता है। 2 1 3 और 3 और 1 4, नहीं होगा। 5 2 7 और 7 और 8, नहीं होगा, ठीक है। आप करके भी देख सकते हैं, अगर 244 को 2 से भाग देंगे तो 122 ही आएगा। दोस्तों हम ये आपके अंदर थोड़ा मजबूती लाने के लिए इतना आसान क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं था डिजिटल सम का। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखिए स्क्वायर में कैसे लगाते हैं हम डिजिटल सम। कभी भी आपको ऐसा स्क्वायर दिख जाए और 4 ऑप्शन दिख जाए तो आप कभी भी स्क्वायर को निकालिएगा मत, हम बताते हैं क्या करना है। देखिए 1 4 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम आपको लिखा है 2 का स्क्वायर तो आप क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर लिखता है 14 का स्क्वायर तो 14 मल्टीप्लाई बाई 14, यही करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी करना है, देखिए 1 4 3 × 1 4 3, यही करना है। अब आइए डिजिटल सम निकालते हैं। 4 और 1 5 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। 4 और 1 5 5 और 3 8 8 8 जाए कितना होता है 64, और 64 का डिजिटल सम कितना होगा 6 और 4, दोनों को जब जोड़ देंगे 6 और 4 दोनों को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, और 10 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 आ गया सिंगल डिजिट में 1। तो यहाँ पे जो जिसका डिजिटल सम 1 आएगा वही आंसर होगा। आइए देखते हैं किसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, इग्नोर कर देंगे 6 और 3 9 हो गया, इसको भी इग्नोर कर देंगे 2, ये नहीं है 9 इग्नोर, 4 और 4 8 8 और 2 10 1 आया, ये हो सकता है। 9 को इग्नोर करेंगे 5 4 9 ये 2 आ गया, नहीं होगा। 9 5 3 8 8 और 2 9 5 3 8 8 2 10 10 9 19, यहाँ पे 1 होगा। 5 3 8 8 और 8 और 9 खत्म हो गया, 5 3 8 और 1 9, यहाँ पे कितना आएगा 0, ठीक है। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे क्या आया हमारा डिजिटल सम, एक सिर्फ एक जगह पे आया, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चौथे नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने बताया था आप लोगों की, हम परसेंटेज और पॉइंट इन दोनों को कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं। परसेंटेज को कंसीडर क्यों नहीं करते हैं, हम आइए देखते हैं। जैसे हमने बोल दिया आपको कि 100 का 50% निकालना है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 100, 50 लिखेंगे, नीचे क्या लिख देंगे। अब बताइए नीचे का डिजिटल सम कितना आ रहा है, हमेशा 1 आएगा, तो क्या हमको 1 को लिखना जरूरी है, या नहीं लिखें तो भी काम चल सकता है। यानी कि अगर इसको हम सिर्फ इतना लिखें तो भी ये सही है। अब कैसे सही है आइए देखते हैं। जहाँ तक जानते हैं आप लोग कि 100 का और 50% निकालेंगे, अगर 100 का आधा करते हैं तो कितना होगा, हमेशा 50 होगा। अब देखिए डिजिटल सम दोनों का साइड का इक्वल आ रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ का डिजिटल सम 1, यहाँ का डिजिटल सम 5, यहाँ का डिजिटल सम 5, 5 5 5 5 इक्वल, इसलिए आप परसेंटेज को क्या कर सकते हैं कंसीडर नहीं करते हैं। आइए देखते हैं डिजिटल सम निकालते हैं, देखिए इतने बड़े क्वेश्चन से हम कैसे ला के दिखाते हैं आपको। यहाँ से डिजिटल सम क्या आ जाएगा 6, और यहाँ से 2, 6 और 2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 12 आएगा, और 12 का डिजिटल सम फिर क्या होगा 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 होगा प्लस।
9 को इग्नोर करेंगे। एक बात बता देते हैं हम कि 9 से किसी भी नंबर में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, हमेशा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा या 9, तो 9 को नहीं 0 ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 माइनस, अब देखिए 2 और 5 कितना होता है 7, और 7 में जब x का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 8 और 5, 8 5 या कितना होगा, यहाँ से कितना आएगा 8, यहाँ से 5 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 14 और 14 का 4, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे हम, इस 7 को इधर ले जाएंगे और चाहे इसी को ही इधर भेज देते हैं। देखिए माइनस 7x, अगर ये 4 है या 3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 4 में जब 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। अब देखिए क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा 1/7, यही तो होगा। अब देखिए 7 आ गया, नीचे देखिए 7 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसमें हम क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही है। आइए दोस्तों देखिए हम लोग पहुंचे थे, कितना लिखे हैं यहाँ पे माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे क्या है प्लस, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/7, यहाँ पे क्या था 7 के नीचे 4, अगर 7 आता है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब कितना आया माइनस 4/28 को क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, अब माइनस 4 आ गया। अब ध्यान से देखिए इसका डिजिटल सम कितना आया है माइनस 4, क्या डिजिटल सम कभी माइनस में हो सकता है, यहाँ देखिए रूल नंबर 3, माइनस में नहीं हो सकता है तो क्या हो सकता है, 9 में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो अगर 9 में से हम इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा 4, और 4 का 4 इसका फाइनल डिजिटल सम कितना आ जाएगा 5। अब देखिए किसका डिजिटल सम फाइनल 5 हो रहा है, इसका हो रहा है, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 1 है, तो कौन सही होगा, आप लोग कैलकुलेटर से करके इसको देख सकते हैं, और एग्जाम में चाहें तो आप कैलकुलेटर से भी तेज आंसर ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन हमेशा गिवन होते हैं। आते हैं हम लोग 5वें नंबर पे, आइए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन, स्क्वायर पे हमने एक क्वेश्चन आपको कराया था, एक क्वेश्चन और कराते हैं फिर देखते हैं कि स्क्वायर रूट में हम क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करते हैं डिजिटल सम मेथड को। ये दोस्तों हर एक टॉपिक में आप हर एक टॉपिक में इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, अब धीरे धीरे आपको दिखा रहे हैं कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 2, 8 जैसे हमने बताया था आपको, स्क्वायर लिखने के लिए हमको ऐसे दो बार लिखना पड़ता है। अब देखिए 8 और 2 कितना होता है 10, और 10 और 1 11, तो यहाँ से डिजिटल सम आ जाएगा 2, और यहाँ से भी डिजिटल सम आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई होगा तो डिजिटल सम फाइनल कितना आएगा 4, यानी कि ऑप्शन का डिजिटल सम जो 4 आएगा वही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। अब देखिए हमको इग्नोर कैसे करना है, अब ऑप्शन जैसे कि ऑप्शन ज़्यादा बड़ा बड़ा भी हो सकता है तो हमको इग्नोर करना सबसे बेटर होगा। देखिए 8 और 1 को इग्नोर करेंगे 9 हो जाएगा, 6 और 3 को ऐड करने पे 9, हटा देंगे इसको, यहाँ से कितना आएगा 4, ज़्यादा चांस यही सही होने का है। अब देखिए 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 4 15, और 15 7 22 हो जाएगा, 6 और 1 7, और 7 4 11, और 11 हो जाएगा 2, 7 2 9 हो जाएगा, और फिर दोस्तों 3 होगा। अब आगे देखिए 6 और 1 7, और 7 3 10, 10 7 17, 17 और 4 कितना होगा 21, यहाँ से भी 3, 6 2 8, 8 और 1 9, 8 4 12, और 12 2 और 1 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या मिला 4, अगर कहीं दो ऑप्शन आपका मैच कर जाता है तो दोस्तों यहाँ पे आप डिजिटल सम ही लगा पाते। यहाँ पे हमने ऑप्शन को इसलिए चेंज किया क्योंकि यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे थे डिजिटल सम, और आपको जानना जरूरी है कि डिजिटल सम से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन 2 मैच कर रहा था इसलिए हमको एक ऑप्शन को गलत करना पड़ा, लेकिन अगर आपको यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी मेथड भी आते हैं तो यहाँ पे आप दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन मैच रहते तो भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते थे आसानी से लगा सकते थे। दोस्तों बने रहिए, बहुत जल्द ही हम सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि अगर दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन मिलते भी हैं तो हम कैसे उस क्वेश्चन से कर सकते हैं बिना मल्टीप्लाई किए। अगर ये आप मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इसका सिंपली इसका एक स्क्वायर निकालने का एक और आसान तरीका होता है, वो हम आपको जब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट या स्क्वायर क्यूब बताएंगे तो वहाँ पे हम आपको डिस्कस करेंगे। दोस्तों आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखिए यहाँ पे क्या है, अब इसमें डिजिटल सम कैसे लगेगा आप लोग यही सोच रहे होंगे, आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए कि लिखा है 16, इसका डिजिटल सम सभी लोग कितना जानते हैं इतना होता है 4 होता है, इसका आंसर कितना होता है 4। अब हम देखिए क्या करते हैं, इसका डिजिटल सम कितना आएगा
6 और 1 7 7 इसका आएगा कितना 4। देखिए आ गया, ऐसे ही देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहां से डिजिटल सम कितना आया, 6 और 4 10 एक आया डिजिटल सम। अब यहां देखिए 6 और 4 10 10 का 1 8 और 6 कितना होगा 14, 4 और 1 5 7 4 11 और 1 2 और 6 5 11 और 1 2। अब देखिए ये क्या होता है, दो बार मल्टीप्लाई करने पे वही आंसर आना चाहिए, है कि नहीं। तो यहां देखिए 1 और 1 में यही आएगा, यानी कि इस तरह से यहां से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका रिमेन रूल क्या होता है। जैसे अगर 4 है तो इसको हम क्या लिखेंगे ऐसे, √2, 9 है तो √3, यानी कि 3 का क्या हो रहा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है वही।